तो स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम फिजिक्स में कल केपलर्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके थे। प्रीवियस पहली क्लास में हम जो केपलर, जोहानस केपलर जो थे, उन्होंने जो तीन लॉज दिए थे प्लानिटरी मोशन को समझने के लिए, जो प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, उनको समझने के तीन लॉज दिए थे उन्होंने, उनके बारे में हमने पढ़ा था और समझा था। आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब ये तीन इक्वेशंस हैं ऐसी, जिनके मदद से अगर कोई बॉडी है, अगर वो 1D, 1D, 2D टू डायमेंशन या 3D में अगर मूव कर रही है, तो उसके मोशन को हम समझ सकते हैं। अगर उसके मोशन में हम कुछ प्रिडिक्ट करना है, उस इक्वेशंस की मदद से हम उसके मोशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या करती हैं, तीन इक्वेशंस जो हैं, इनमें आपस में जो उनकी जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, और उसको रिलेशन टाइम से, एक्सेलरेशन से और डिस्टेंस से, इन चारों क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन दिया गया है। तो इन चारों क्वांटिटीज़ जो होती हैं, जैसे कौन कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट एक है, और वेलोसिटी, टाइम, कितना टाइम लेता है मोशन में, और एक्सेलरेशन। ये जो चारों क्वांटिटीज हैं, इनके बीच में आपस में रिलेशन शो करते हैं उन तीन इक्वेशंस की मदद से। तो क्या है वो तीन इक्वेशंस, कौन कौन सी हैं, उनको कैसे डेराइव करेंगे, और उनको फिर उनका यूज़ क्या है, प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि तीनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं, ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं कि ये टर्म्स क्या क्या हैं, इनका क्या मतलब है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड, और जो तीसरा है वो कहता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस, ठीक है। ये इसको अगर आप एक दूसरे टर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बस वही चीज़ है, हमने जो यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। अब इनमें सब टर्म्स जो हैं इनका मतलब क्या है ये देखते हैं। जैसे आपको सबसे पहला टर्म जो दिखा वी, यहाँ पे जैसे हम लिए, तरीका क्या होता है कि अगर आप कुछ कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें अगर आपको टर्म्स को डिफाइन करना है कि ये टर्म क्या है, इसका क्या मतलब है, तो आप लिखते हैं ये वेयर, मतलब जहाँ पर वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है, दूसरा टर्म है यू, जो इनको बोलते हैं हम वो लिख रहे हैं यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। और थोड़ा सेकेंड इक्वेशन से क्या आता है हमारे पास, एस डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है आपका, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पार्टिकल में, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन अ स्ट्रेट लाइन, और किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर यू तो आपको पता ही है, टी का यहाँ पर क्या मतलब है, टी लिखते हैं, टी का मतलब है यहाँ पे टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया, कितने टाइम में ये मोशन हुआ, ठीक है। फिर एक और टर्म दिख रहा है वो ये ए का क्या मतलब है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ए का मतलब है एक्सेलरेशन, तो ये थे हमारे टर्म्स जिनका मतलब हमें समझना था, कौन कौन से, वी यू ए टी एस, बस ये चार क्वांटिटीज हमारी। और ये चार क्वांटिटीज ये जो हैं, ये क्या क्या हैं, फाइनल वेलोसिटी जो लिखा है यहाँ पे, वी जो बराबर फाइनल वेलोसिटी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी,
है ना, यही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम टेकन, ये मतलब कितने टाइम में वहाँ पे चेंज आया। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम टाइम टेकन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वही क्या है, वही हमारा एक्सेलरेशन है। तो अब एक्सेलरेशन तो हमको पता है, एक्सेलरेशन में हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी में वेलोसिटी पहले उसकी कुछ रही होगी, बदल के कुछ और हो गई, मतलब कि, और इसी को क्या लिखते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक कार थी वो 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो ओरिजिनल वेलोसिटी पहले थी वो क्या थी, 10 किलोमीटर पर आर। फिर हमने कहा कि उसने एक्सेलरेट किया अपने आप को, उसमें एक्सेलरेशन हुआ और फिर वो 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने लगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 20 किलोमीटर पर आर, मतलब जो चेंज आया वो कितना हुआ, 20 - 10 = 10 किलोमीटर पर आर का। क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से चल रही थी, फाइनल वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन होने के बाद जो वेलोसिटी उसकी हो गई वो फाइनल वेलोसिटी, और ऐसा होने में कितना टाइम लगा वो ये हमारा टाइम टेकन, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी वही है, फाइनल वेलोसिटी हमारी वही है कि कितनी वेलोसिटी उसकी हो गई एक्सेलरेशन के बाद, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं फाइनल वेलोसिटी को हम वी से दिखाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से दिखाते हैं। एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जैसे हमने बात कर ली है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में जब हम उसको फोर्स लगाते हैं तो उस पर अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन होने के लिए उसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हुई उसमें कुछ टाइम लगा, उतने टाइम में वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस तो कवर कर लेगा, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, मतलब कि उसकी पोजिशन एक पोजिशन से यहाँ से हट करके यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच जाएगी, तो ये क्या हुआ उसमें, ये फाइनल हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी जो पोजिशन पहले थी उसके बाद जब एक्सेलरेट हुआ उसके बाद जो पोजिशन बन गई, या एक डिस्टेंस का ये टाइम इंटरवल के बाद में जो उसकी पोजिशन फिर से हो गई वही है उसमें डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। हमारा तीसरा जो ये चौथा क्वांटिटी है क्या है, टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब वही कि कितना टाइम उसको लगा उस प्रोसेस में, और ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप जानते ही हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो रेट होता है वेलोसिटी चेंज का उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये थे हमारे इक्वेशंस, आप इनको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम इसके बारे में, इनके डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि इक्वेशंस को डिराइव कैसे करेंगे, मतलब कैसे इनको हम लाएंगे जो हम जानते हैं उससे, कैसे इनको मैथमेटिकली हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस को, और फिर इनको यूज़ कैसे करेंगे। ये थे हमारे इक्वेशंस तीनों, और उनके बारे में जो उनके जो टर्म्स हमारे यूज में हैं उनके बारे में। तो अगले पे आते हैं डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ, सबसे पहले पहली इक्वेशन क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, अब देखिए ये जो इक्वेशंस का हम डिराइव करते हैं डेरिवेशन, डेरिवेशन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है ये आपको पहले तो समझना ज़रूरी है। डेरिवेशन का मतलब एक्चुअली में ये होता है कि हमें जो फैक्ट्स पता हैं, जो हमें फार्मूलाज कुछ पता हैं, उनका यूज़ करके हमें ये फॉर्मूला लगाना है, मतलब ये फॉर्मूला हमें लाना है, हमें शो करना है कि हम जो मान के चल रहे हैं, जैसे सपोज हम मान रहे हैं ये हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना एक्सेलरेशन। और इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम मैथमेटिकली अगर हम इसको टर्म्स में लिखना हो तो टर्म एक्सेलरेशन के क्या लिए यूज होता है, ए चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v माइनस यू अपॉन टी। अब जैसे ये हमारे पास एक फैक्ट है, मतलब जैसे एक इक्वेशन हमारे पास है, इसका यूज करके अगर हम कोई इक्वेशन को बना लें, इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके,
तो वो भी एक सही इक्वेशन रहेगी, अगर ये सही है तो वो भी सही रहेगी। तो इसीलिए इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेरिवेशन, मतलब आपको जो पहले से पता है उनका यूज करके आप एक नई चीज जो आपको मतलब पता थी, आपको उसको प्रूव करना है, आप उसको लेकर के आए उनका यूज करते हुए, यही होता है डेरिवेशन का प्रोसेस। ये इक्वेशंस का यूज पहले आप जान लीजिए, इक्वेशंस का यूज क्या होता है, इक्वेशंस का इनका यही यूज होता है कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उसका जब मोशन हो रहा है तो आपको जब भी उनमें कोई काम लगे रिलेशन का, जैसे आपको किसी ने पूछा कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर 10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी मतलब पहले चल रहा था वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो बताइए कि 3 सेकेंड के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा। अभी आपको एक क्वेश्चन है आपके सामने, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और इसको आपको सॉल्व करने के लिए मतलब आप उसको फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहीं में से इक्वेशन का आपको ढूंढना होगा कि कौन सी इक्वेशन है जो यहाँ पे यूज करना सही रहेगा, कौन सी इक्वेशन हमें यहाँ पे काम अपना देगी, कौन सी इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आएगा, और फिर इस इक्वेशन में आप अपने वैल्यूज को रखिए, आपको फट से तुरंत वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले यही जानना है कि जो पहला इक्वेशन है ये v = u + at, इसका यूज कहाँ है पहले हम ये जानते हैं, फिर उसको डेराइव करेंगे। इसका यूज उस केस में है, देखिए क्या क्या किस किस के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे हम किस किस क्वांटिटीज के बीच में दिखा रहे हैं जो उसकी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज हैं, कितना टाइम लिया और कितना उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, इसके बीच में हम निकालते हैं, मतलब इनके बीच में अगर आपको कोई रिलेशन मिले तो उसको हम इससे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आप तुरंत समझ जाएंगे, जैसे अभी हमने किया कि एक कार जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब हमें क्या दिया है, एग्जाम्पल है ये, अभी हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने कहा वो अभी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है मतलब उसकी अभी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी यू है वो ये है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर हमने क्या कहा कि आप बताइए कि 3 सेकेंड के बाद ये टाइम कितना है, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी वी कितनी हो जाएगी। अब सिंपल सा आपको दिख रहा है कि अगर ए दिया है, यू दिया है, टी दिया है, आपको वी निकालना है, आपको पता है ये फट से ये इक्वेशन हम जैसे यूज करेंगे हमारे पास तुरंत वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे पुटिंग कौन कौन सा, ए यू टी इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, क्या आएगा हमारा, देखिए अब v इक्वल्स, अब u की क्या वैल्यू दी है यहाँ पे, देखिए यहाँ से देखते चलिए वैल्यूज पुट करते चलिए, u की वैल्यू क्या दी है 20 मीटर पर सेकेंड, हम अभी यूनिट्स का नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारी जो हैं वो यूनिट सबका सेम है, सब क्वान्टिटीज का, ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये सेकेंड में है, तो यहाँ पे SI यूनिट ही यूज़ हो रही है, मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट है वही यूज़ हो रही है, तो अभी हम यूनिट यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा केस आपको आता है कि आपको एक क्वांटिटी दूसरे यूनिट पे दी है और दूसरी क्वांटिटी दूसरे यूनिट पे दी है, जैसे कि आपको ये वेलोसिटी जो टाइम है वो तो 3 सेकंड दिया रहे कि टाइम 3 सेकंड के बाद बताइए क्या होगा, लेकिन आपको जो वेलोसिटी दी रहे वो मीटर पर सेकंड में दे किलोमीटर पर आवर में दिया रहे, वेलोसिटी भाई किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको क्या करना रहेगा, सिंपली आपके किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा या आपके सेकेंड को आवर में चेंज करना होगा, तो आपको उस यूनिट्स को सेम रखना पड़ेगा तभी आप आगे कैलकुलेशंस कर पाएंगे। यहाँ पे हमारी यूनिट सेम है, ये मीटर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, इसमें किलो कहीं पे किलोमीटर नहीं है, कहीं पे आर नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली बिना यूनिट्स के रख सकते हैं यहाँ पे 20 + a × t, ये था ना, a क्या है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 × t यानी टाइम कितना है 3, प्लस 20 + 30 = 50, तो v क्या आ गया यहाँ पे 50, और 50 क्या मीटर पर सेकेंड, ठीक। देखिए आप हमने क्या किया, सिर्फ उस इक्वेशन का यूज किया, इक्वेशन की जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया और
तुरंत हमारा जो वैल्यू हमारा आंसर है कि वी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, वो हमारा आ गया कि 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड उसकी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी 3 सेकेंड के बाद में। तो अब डेरिवेशन इसका देखते हैं, आपको पता है यूज, आपको पता लग गया, आपको यूज समझ में आ गया। अब डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन के दो तरीके हैं, एक तो कैलकुलस मेथड है, मतलब एक जो इंटीग्रेशन से आप करेंगे, जो कैलकुलस मेथड का यूज़ करें, जो कैलकुलस हमने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, उसका यूज़ करके एक करेंगे, एक हम जनरल हमारे पास जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूले हैं, उसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास जो दूसरा तरीका है, अपने पास जो दूसरा तरीका हमने कहा बिना कैलकुलस वाला, उसको पहले करते हैं, फिर कैलकुलस वाले से करेंगे। तो जो पहला इक्वेशन है इसका डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन देखिए, हमें पता है, ये ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट, क्या है कि जो एक्सेलरेशन होता है, अभी हमने लिखा है, वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। अब आप इसको टी इधर लेके जाइए, अब यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वी माइनस यू, इसको हम ऐसे ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सिंपली, ए मतलब मैंने क्या लेफ्ट को राइट में कर दिया, राइट को लेफ्ट में कर दिया। अब इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि v माइनस यू इक्वल्स ए इंटू टी, ऐसे नहीं, ए इंटू टी, क्लियर है, ऐसे आप कर सकते हैं ना कि v माइनस यू इक्वल ए इंटू टी कर सकते हैं, कैसे कि t जो है उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में लिए जाएं, तो v माइनस यू इक्वल्स ए इंटू इंटू टी। अब u को आप इधर से ट्रांसपोज करके राइट में लेके जाइए, फिर से v इक्वल्स, अब ये u इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, u प्लस t, ठीक, देखिए आ गया हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स u प्लस ए टी, वो इक्वेशन हमारी आ गई है कि जो वेलोसिटी फाइनल होगी वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया। दूसरा मेथड जो है कैलकुलस मेथड, उससे करते हैं, कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड, यहाँ पे देखिए आपको पता है कि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन को आप वैसे नॉर्मल लिखेंगे कि एक फाइनल वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप बटा डिवाइड में कर देंगे टाइम टेकन, तो ये रिलेशन आपके पास आता है, ए इक्वल्स वी माइनस यू बाई टी, है ना। लेकिन एक्चुअली में अगर ये मान लीजिए इतना स्मूथ नहीं है कि वेलोसिटी फाइनल जस्ट एक बार एक्सेलरेशन हुआ और वेलोसिटी वी से यू हो गई, वो यू से वी हो गई और इतना टाइम लिया, क्या होगा कि वेलोसिटी थोड़े थोड़े स्टेप्स में चेंज हो रही है। तो एक्चुअल जो तरीका जो हम लिखेंगे इसको लिखने का, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, कि मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। मतलब आप इसमें क्या निकालेंगे, जैसे हमने कैलकुलस में देखा था कि डिफरेंशिएशन में कि छोटे छोटे टाइम इंटरवल में हम निकालेंगे कि इतना टाइम इंटरवल में इतना छोटा चेंज हुआ तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, और उसके रेशियो को निकालेंगे हम, वहां से हमारा एक्चुअल में आएगा एक्सेलरेशन। तो इससे अगर ये इक्वेशन हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है, इससे हम निकालते हैं कैसे है? देखिए a equals dv by dt है, ये क्या इंप्लाई करेगा आपका, ये इसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि a into dt equals dv, लिख सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन dt को हम इधर ले गए और dv उधर रखा है अपना, तो dv बराबर a into dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक, देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या आएगा, इधर इंटीग्रेट किए हम a इंटू डी टी और इधर इंटीग्रेट किए हम dv। अब देखिए ये यहां पे हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब जो हमको पता होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशंस क्या है, मतलब उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है। देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने का तरीका है कि आप स्टार्टिंग कंडीशन को पहले देख लीजिए, स्टार्टिंग कंडीशन मतलब कि जब t इक्वल जीरो था, जब टाइम जीरो था, मतलब जब स्टार्टिंग हुई थी एक्सपेरिमेंट की, प्रोसेस की, तो वेलोसिटी कितनी थी, तो v कितनी थी,
वेलोसिटी कितनी थी, इसको v के जगह पे हम वेलोसिटी ही लिखेंगे। तो वेलोसिटी कितनी थी जब टाइम ज़ीरो था, टाइम ज़ीरो जब है तो वेलोसिटी कितनी है, u है इनिशियल वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी रही हो। और जब टाइम यहाँ पे टाइम इक्वल्स जब t हो गया, t टाइम के बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। इस बीच में एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी u थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी बराबर, यानी 10 मीटर पर सेकंड मान ले हम अगर कि कोई हमें कोई वैल्यू चाहिए अगर, तो जब टाइम जीरो था मतलब जब स्टार्ट हुआ प्रोसेस तो अपनी किस वेलोसिटी चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रहा था। अब एक टाइम जब बीता, टी टाइम बीता, मान लीजिए यहाँ पे हम कहेंगे मान लीजिए टी का वैल्यू अगर हम 3 सेकंड या 2 सेकंड लिखें कि इतना टाइम बीता, उसके बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। तो यहाँ पे लोअर लिमिट, अब देखिए इधर क्या, इधर जो इंटीग्रेट हो रहा है वो इंटीग्रेशन टाइम पे हो रहा है ना, जो dt लिखा है हम क्या कहेंगे कि जो इंटीग्रेटिंग जो वेरिएबल है जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो यहाँ पे टाइम है dt पे, और इधर साइड में dv पे इंटीग्रेट हो रहा है वेलोसिटी पे। तो इधर हम जो लिमिट्स लगाएंगे वो टाइम वाली लिमिट लगाएंगे और इधर जो लिमिट्स लगाएंगे वो वेलोसिटी वाली लिमिट लगाएंगे। देखिए टाइम पहले जीरो था, यानी टाइम की लोअर लिमिट जो है वो क्या रहेगी, जीरो। और टाइम कितना हो गया वहां से, ये पैरेलल में लिखते चलते हैं, टाइम की पहले लोअर लिमिट क्या है, जीरो, यानी टाइम पहले जीरो था, और वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या है, यू, क्योंकि वेलोसिटी पहले यू थी। उसके बाद टाइम की अपर लिमिट मतलब टाइम की फाइनल वैल्यू, ये लोअर और अपर लिमिट का मतलब ये होता है इनिशियल और फाइनल वैल्यू। टाइम की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, मतलब टाइम कितना हो गया, टी सेकेंड्स, तो टाइम टी हो गया, और उस समय वेलोसिटी कितनी हो गई, वी। यही तो अब हमारा सामने हमारी क्लियर आ गया, क्लियर पिक्चर हमारे सामने ये आ गई, क्या ये देखिए इधर कि जब कि इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, ए इंटू डी टी यहाँ से आया था, ए इंटू डी टी इक्वल्स डी वी, उसको इंटीग्रेट किया हमने, लिमिट लगाई जीरो टू टी, तो इधर अपने आप लिमिट क्या लगी, वी टू यू टू वी, यहाँ पे इनिशियल टाइम जीरो था फाइनल टी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू थी फाइनल वी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहीं से देखिए, यहीं से लिखते हैं, चलिए यहीं से लिखते हैं, क्या इंप्लाई करेगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन में क्या रहता है, इसे डिफरेंशिएशन में रहता है कि जो कांस्टेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाते हैं, मतलब अगर आप ऐसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एम, मान ले एम कोई कांस्टेंट है, एम इंटू एक्स, ठीक है, तो क्या करेंगे, एम पहले ही बाहर आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा केवल, है ना, ये तरीका है हमने पढ़ा था। तो उसी तरह इंटीग्रेशन में भी सेम है कि जो कांस्टेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन के बाहर आ जाते हैं, उन पर इंटीग्रेशन का कोई असर नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन क्या है, समेशन है, एक इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक में छोटे छोटे वैल्यूज का सम। जो ये कांस्टेंट है इसमें कोई चेंज आया ही नहीं, तो इसमें हम कैसे समेशन का यूज कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा, जीरो से टी तक में डी टी इंटीग्रेट होगा और यू से वी तक में डी वी इंटीग्रेट होगा। और आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन और डी यानी डिफरेंशिएशन, डी टी जो है, डी का सिंबल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अगर डी टी को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बचेगा, वो केवल टी आ जाएगा, टी डी कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो आप डी टी का, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज को अगर टी को हम जोड़ते हैं, डी टी को अगर छोटी छोटी वैल्यूज को हम जोड़ते हैं तो क्या हमारा फाइनल वैल्यू टी बन जाता है। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जीरो से टी तक आप डी टी को इंटीग्रेट कीजिए, तो ये पता होगा आपको कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है वो क्या होता है, एक्स हो जाता है, एक्स प्लस सी, याद रखिएगा एक्स प्लस सी हो जाता है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हैं हम, एक्स प्लस सी का हम लिखते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू है कि यहाँ पे हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे हम लिमिट्स का यूज करेंगे। ये आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया क्लास में कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल होता है, मतलब हमारे पास जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स होती हैं, तो वहां पर हम ये इंटीग्रेशन का सिंबल में, फिर वहां पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करते हैं, हम लोअर लिमिट में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x होता है, तो उसी हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, यहां से a t हो जाएगा। देखिए इसको तरीका क्या है डिफरेंट इंटीग्रल का, हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसको, कि t आप लिखेंगे मतलब जो आपको इंटीग्रेट होके जो वैल्यू आई उसको आप एक बॉक्स ब्रैकेट में लिखेंगे और उस पे लोअर और अपर लिमिट्स को ऐसे लिख देंगे। देखिए इसमें भी हम करते हैं, dv का इंटीग्रल क्या होगा, v होगा u से v तक में, है ना,
इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक में। अब ये वाला स्टेटमेंट हम आगे लेके चलेंगे, ये वाले स्टेटमेंट को ये से लिखते हैं एक बार ज़रा इसे, क्या आएगा यहाँ पे नीचे करिए, यहाँ से क्या आएगा ए और टी, टी ज़ीरो से टी तक जाएगा और ये जो जाएगा वी की वैल्यू वो कहाँ जाएगी यू से वी तक में। ठीक, अब देखिए इसको तरीका क्या है, हमने बॉक्स ब्रैकेट में लिमिट्स लिख दी, अब क्या करना है जो भी आया है उसमें लो अपर टी की पहले अपर लिमिट रखिए माइनस फिर टी की लोअर लिमिट रखिए। कैसे देखिए ए आया ब्रैकेट ऐसे लगा रहेगा, टी की अपर लिमिट पहले टी की जगह पे टी की अपर लिमिट, जहाँ जहाँ टी है यानी जहाँ जहाँ आपको इंटीग्रेट होगी जो आया है जिस पर आप इंटीग्रेट कर रहे थे वहाँ पे आप पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे केवल टी है तो टी की अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट जीरो। सेम इधर अपर लिमिट वी थी, वेलोसिटी की अपर लिमिट वी थी, ये याद रखिए यहाँ पे वी और वी में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये वी जो है ये दिखा रहा है हमारी वेलोसिटी क्या है, मतलब हमारी वेलोसिटी दिखा रहा है, ये इनिशियल फाइनल के मतलब नहीं, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक वेलोसिटी जो आपकी पर्टिकुलर आपकी वेलोसिटी चल रही है किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे वो कितनी है, और वी क्या दिखा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी यू इनिशियल और वी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे वी माइनस यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और फिर यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे टी माइनस जीरो टी ही होता है तो ए टी हो जाएगा और इक्वल्स वी माइनस यू और यहाँ से फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आया, क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल से यहाँ पे हमें अपर और लोअर लिमिट्स पता है। अब v इक्वल्स u प्लस ए टी सिंपल आ गया ट्रांसपोज करने से, तो ये था हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हमारा पहला इक्वेशन था इंटीग्रेशन मेथड से यानी कैलकुलस मेथड से। चलिए देखते हैं फिर जो दूसरा इक्वेशन हमारा उसको फिर स्टार्ट करते हैं, सेकेंड वाला इक्वेशन यहाँ से। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं यहाँ पे क्या था s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको हम लिखते हैं और उसके बाद डिटेल पहले मतलब में समझते हैं इसका कि डिटेल में कि क्या इसका मतलब क्या है s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन क्या करते थे, वो इक्वेशन हम क्या कर रहे थे उसमें फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी में जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी थी और जो एक्सेलरेशन था और टाइम इनके बीच में रिलेशन था। यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी हट गई, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, लेकिन एक और टर्म आ गया है वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि ये एक ही मेन कॉन्सेप्ट एक ही है, उसी को हम खाली इधर से उधर एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में करके क्या करते हैं कि हम रिलेशन निकालते हैं, उसमें हमें क्या रिलेशन चाहिए था इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को टाइम से और एक्सेलरेशन से, यहाँ पे हमें क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट जो उस ऑब्जेक्ट में हुआ है वो किसमें इनिशियल वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन से, हमें अब डिस्प्लेसमेंट में चाहिए फाइनल वेलोसिटी वाला हमारे पास रिलेशन है, तो ये रिलेशन का यूज क्या है, जैसे सपोज आपसे किसी ने पूछा मान लिया कोई क्वेश्चन है कहीं पे दिया है एक प्रॉब्लम है क्या है कि अगर एक बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी मान लिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और उसमें एक्सेलरेशन वही हम पुराना वाला आप डालेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें, सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है यानी ए कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एग्जाम्पल है। पहले ये ध्यान रखिए कैसे एक तरीका हमारा क्या है कि क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे हम उसको कि समझ में आए कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, पहले उसको डराई फिर हम आगे करेंगे, पहले उसका यूज समझ में आएगा। देखिए क्या होता है जब तक आपको किसी चीज़ का यूज नहीं समझ में आता है आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता है, आप ये नहीं समझ पाते कि इसको हम पढ़ें क्यों उसको समझें क्यों, अगर आपको ये एक बार यूज पता लग जाता है कि हाँ ये यूज है इस पर्टिकुलर चीज का फिर आपको होता है कि अब इसकी डिटेल समझें कि इसको हम कैसे यूज करेंगे और ये कहाँ से आया, वही डिटेल्स हम पहले समझ रहे हैं, पहले इसका यूज समझते हैं। एक्सेलरेशन हमें पता है, हमसे पूछा एक इनिशियल वेलोसिटी यानी 20 चलिए 20 मीटर पर सेकंड की इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, वैसे बहुत बड़ी वैल्यू है आप अगर इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे रियल वर्ल्ड में तो काफ़ी बड़ी वेलोसिटी है। जैसे अब क्या तरीका है अगर इसको मीटर पर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, किससे 18/5 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5 से,
ये कितना आया आपका 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए काफ़ी बड़ी वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल वेलोसिटी हमारी जो जैसे बाइक वगैरह चलती हैं 60 की स्पीड में हम नॉर्मल चलाते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर मतलब कोई वेलोसिटी हम कह रहे हैं कि कोई कार है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, मतलब एक्चुअली में वो जो हम किलोमीटर पर आवर वाली यूनिट में देखेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही होती है। ठीक है, तो ये बस एक था समझने के लिए कि अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो u हमारी इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ पे काम नहीं है, हमसे पूछा है ti, ti यानी 3 सेकंड्स के बाद में बताओ कि अगर ऐसे कंडीशन से ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी और उसमें हमने एक्सेलरेशन करा दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 3 सेकंड में उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, s इक्वल्स व्हाट, पूछ रहा है कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। मतलब जैसे अगर देखिए समझिए यहाँ पे कि अगर ये चीज़ ना हुआ होता, आप एक बार में इसको बंद कर दीजिए, एक बार के लिए इसको बंद कर दीजिए कि अगर ये चीज़ ना हुई होती तो फिर यहाँ पे क्या होता, 3 सेकंड में क्या डिस्टेंस कवर होता, डिस्टेंस कवर का क्या है वेलोसिटी इंटू टाइम, क्या आता है वेलोसिटी इंटू टाइम 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 3 बराबर 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया होता 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अगर 3 सेकंड तक चलेगा तो 60 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे उसी वेलोसिटी नहीं चल रहा, यहाँ पे हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रही है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक बार एक सेकंड के लिए तो उसने चला यानी 20 मीटर चलेगा ये किस किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। उसके बाद में अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 ऐड होकर 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 3 सेकंड में, ये निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने इस इक्वेशन का। तो यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, पुटिंग वैल्यूज ये लिखा, क्या रखेंगे s इक्वल्स, हमें s ही निकालना है, u हमें दिया है 20 मीटर पर सेकंड, u कितना है 20 मीटर पर सेकंड, हमारा टाइम कितना दिया है 3 सेकंड में भैया निकालना है, हाफ वो यानी 1/2, एक्सेलरेशन 10 दिया है और टाइम 3 यानी 3 का स्क्वायर 9 है ना, टाइम दिया है कि 3 सेकंड में तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अभी हमको निकालना है s कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 10 को क्रॉस कर सकते हैं 5 आएगा, तो 20 × 3 = 60। देखिए ये 60 तो वो आया जो आपको नॉर्मल चलता, ये वो वाला टर्म है u इंटू टी जो नॉर्मल वाला टर्म है, मतलब जब उसमें एक्सेलरेशन ना हुआ होता तो 60 आता, लेकिन एक्सेलरेशन चूंकि हो रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू उसमें आएगी, क्या आएगी 9 × 4 = 45, इतना वो एक्स्ट्रा इतना वैल्यू है जो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो s इक्वल्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 5105 meters, इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा 3 सेकंड में। पहले कितना कर रहा था 60 मीटर कर रहा था नॉर्मली, ऐसे जब एक्सेलरेशन होता है तो 105 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसको डेराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन समझते हैं कि कैसे इक्वेशन आएगी। देखिए हमारे पास जो रिलेशन है, हमारे पास कौन सा रिलेशन है कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या, जो वेलोसिटी होती है क्या होती है डिस्टेंस इंटू ds/dt। एक अगर कैलकुलस मेथड से करें तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले नॉर्मल वाले मेथड से करेंगे। नॉर्मल मेथड मतलब डेरिवेशन, मतलब जो हमारे पास है कुछ फॉर्मूलेज हैं उनके फॉर्मूलाज हैं, उनको फॉर्मूलाज को यूज़ करके क्या हमें पता है कि v बराबर, या अगर ऐसे सिंपल लिखें डिस्टेंस जो होता है s इक्वल्स, डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, ये तो होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। अब देखिए चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें, मतलब वेलोसिटी फाइनल उसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब इतने टाइम पीरियड में अगर हम कहेंगे टाइम मान लीजिए 3 सेकंड है तो 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी केवल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर टिकी नहीं रहेगी, उसकी वेलोसिटी पहले u थी और 3 सेकंड के बाद v हो जाएगी, है ना, वेलोसिटी u थी 3 सेकंड के बाद v हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी का हम लिखेंगे, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये वेलोसिटी क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी AVG से लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या है इसकी,
फाइनल प्लस इनिशियल बाय टू। ये होता है ना किसी चीज़ का, अगर आप एवरेज निकालेंगे, अगर एन क्वांटिटीज़ हैं तो एन क्वांटिटीज़ का सम अपॉन एन, यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ है तो दोनों क्वांटिटीज़ का सम अपॉन टू। ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। अब आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो एस क्या होगा, आप वी वी प्लस यू बाई टू इंटू टी टाइम टेकन। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ध्यान से देखिए, बहुत आप एकदम आराम से समझ जाएंगे। v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, ये आपका रिलेशन आया। अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखिए v क्या होता है, हमें पता है क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन वन या फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ से क्या है, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ये होता है ना, v क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। उसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे, s इक्वल्स क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। आगे ना रिलेशन u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई टू, हमने क्या किया है, सिंपली v प्लस यू बाई टू हुआ एवरेज वेलोसिटी, और v के जगह पे हमने फर्स्ट इक्वेशन से अपने u प्लस ए टी उठा के रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये देखिए ये है यहाँ पे, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, सम करेंगे u और u ऐड हो जाएगा, तो इससे क्या आएगा हमारा, s इक्वल्स क्या आएगा, 2u यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, मतलब इसको तोड़ देते हैं टर्म को, तो 2u यू डिवाइडेड बाई टू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। ये पता है ना कि अगर आपको a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी है तो आप इसको लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, उसी का हमने यूज यहाँ पे किया है, टू यू बाई यू और फिर ए टी बाई यू दोनों का सम। ठीक, फिर चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आप टी को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई क्या आएगा, यू टी प्लस ए टी ए इंटू, और टी था पहले टी, फिर आ जाएगा टी स्क्वायर बन जाएगा अपॉन टू, और ये देखिए आपका ऐसा आ गया। यहाँ से इसको और थोड़ा चेंज यानी मॉडिफाई करके क्या लिख देंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, s इक्वल्स यू टी प्लस ये जो ए टी स्क्वायर बाई टू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, एक थोड़ा सुंदर लगता है तरीका, दोनों का मतलब सेम ही है इसलिए यूज करते हैं। ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, क्या किया है हमने, फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है, उसको हमने क्या दिया, उस यहाँ से हमने v को वैल्यू को वहाँ से डिलीट कर दिया, हमारे पास रिलेशन आ गया। ये था आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको जो दूसरा तरीका हम जो इसकी बात कर रहे हैं कि जो दूसरा तरीका हमारे पास होता है, कौन सा तरीका है, एक होता है ये जो इंटीग्रल वाला तरीका, जो जिसे हमने पहले वाले इक्वेशन में किया था ना, यहाँ पे ये देखिए अभी ये भी किया है, ये जो पहले इक्वेशन में हमने यूज़ किया है ये तरीका इंटीग्रेशन वाला तरीका, यही तरीका हम देखेंगे, यही तरीका अप्लाई करके इसमें कैसे कर सकते हैं, क्या करना है आपको। देखिए अगर वेलोसिटी है, आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई dt, यानी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है ना। अब यहाँ पे आपको वही रिलेशन का यूज़ करना है, कौन से रिलेशन का, कि जो वेलोसिटी होती है यानी s, ये v इक्वल्स टू s ds बाई dt, ये होता है ना। चलिए यूजिंग कैलकुलस यहाँ पे लिखेंगे हम, यूजिंग कैलकुलस 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 का यूज करके हम डेराइव करेंगे, क्या लिख गया भाई ये, सी यू एल यू एस। ठीक, क्या हमें पता है, ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट, हमें ये पता है, क्या पता है, कि जो वेलोसिटी होती है ये डी एस बाई डी टी होती है, होती है ना, वेलोसिटी होती है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक टाइम इंटरवल में कितना उसकी पोजीशन में चेंज आया, तो डी एस बाई डी टी होती है वेलोसिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एस इक्वल्स वी इंटू डी टी लिख सकते हैं ना, डी को डी टी को इधर लिखे गए। अब क्या हमें वी की जगह पे क्या, फिर वही यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स u प्लस ए टी। हमें क्या करना है, सीधा जो v है ये टर्म, इसकी जगह पे हमें क्या रख देना है, उठा करके ये u प्लस ए टी रख देना है। ठीक, देखिए ds इक्वल्स u प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक, u प्लस ए टी इंटू डी टी मल्टीप्लाई कर दीजिए आपने टर्म में, u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग अब इंटीग्रेट करने का तरीका अब वही जो पहले यूज कर चुके हैं कि क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे ds को और इधर इंटीग्रेट करेंगे u dt प्लस इंटीग्रल a t dt। दोनों अलग अलग टर्म है तो उनको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए वही लिमिट वाला कॉन्सेप्ट कि लिमिट हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे लेंगे, वही आपको दे रहा जब t जीरो था, जब टाइम की वेलोसिटी वैल्यू जीरो थी तो आपकी जो s की वैल्यू है वो कितनी थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंटीग्रेट हो रहा है t के ऊपर हो रहा है, dt है दोनों में, यहाँ पे क्या है dt है दोनों में, तो इंटीग्रल यहाँ पे जो यूज हो रहा है वहाँ पे इंटीग्रल की जो हम लिमिट्स रखेंगे वो t का लिमिट रखेंगे, मतलब वो लिमिट्स किस में रखेंगे, टाइम के ऊपर रखेंगे हम। तो यहाँ पे टाइम की लिमिट यूज करेंगे, टाइम पहले जीरो था, यहाँ भी टाइम जीरो था, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो था एस कितना था वो भी जीरो था। भाई जब एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी तो हमें पता है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से देख रहे हैं, जब उसमें एक्सेलरेशन होना शुरू हुआ, तो एक्सेलरेशन होना जब शुरू हुआ उस टाइम एस की वैल्यू क्या थी, जीरो। और जब टाइम टी हो गया, टी टाइम टी सेकेंड्स के बाद में यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, एस हो गई, इसकी फाइनल वैल्यू एस हो गई। क्लियर है नहीं, कि टाइम जब जीरो था तो इस डिस्प्लेसमेंट इसमें कुछ नहीं हुई थी, जीरो थी। टी टाइम बीत गया जब, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एस डिस्प्लेसमेंट सामने आ गई। अब बस क्या करना है, इसी वैल्यूज को इन्हीं लिमिट्स पर इसको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s हो जाएगा, सिंपल सी बात है s, लेकिन अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें लिखनी पड़ेगी, 0s इक्वल्स। अब u इंटू dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, जो वेलोसिटी जब चेंज आया तो फाइनल वेलोसिटी बन गई, u अपना कॉन्स्टेंट है, u जो था वो इनिशियल वेलोसिटी जितनी बनी थी वो बनी की बनी है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी उसमें कोई चेंज नहीं आया था, वेलोसिटी में चेंज आया था लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो यही थी u, तो क्या रहेगा, u बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन dt हो जाएगा 0 टू t प्लस, यहाँ पे देखिए a बाहर, a कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t t इंटू dt। ठीक, u dt का इंटीग्रल क्या होता है, t होता है भाई 0 टू t तक प्लस a, देखिए t इंटू dt, t की पावर यहाँ पे एक, ये था इंटीग्रल, ये क्या था, इंटीग्रल x dx, x की पावर n, इंटीग्रल x की पावर n dx, ये क्या आया था हमारे पास वैल्यू, n क्या आना, ये इतनी था, क्या आया था हमारे पास ये वैल्यू, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही आया था ना, प्लस c होता था कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे नहीं यूज होगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये देखिए आपको अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ से देखिए, यही आया था ना हमारे पास, x की पावर n dx अगर हम निकालते थे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे क्या है, x की पावर n ना होकर के x की पावर यहाँ पे 1 है, मतलब जो हमारा x की जगह पे t है, t के साथ में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और t की पावर 1 है, तो n की जगह पे 1 रखिए, अपना काम करिए, t की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, t की पावर n प्लस 1 यानी 10 की, t की पावर 1 प्लस 1 यानी t की पावर 2, t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, t स्क्वायर बाई 2, 0 टू t, बस आ गया u इंटू, अब इसका t इंटू t माइनस 0 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा प्लस a। अब यहाँ पे देखिए लिमिट कैसे रखना है, लिमिट कैसे रखना है आपको वही पता है कि जहां जहां आपको t दिखे वहां आपको दो टर्म्स बना लेने हैं, एक टर्म में t की ये अपर लिमिट, एक टर्म में t की लोअर लिमिट, तो एक टर्म बनाते हैं t स्क्वायर बाई 2 में, जिसके t की जगह पे हम t रखेंगे, t स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर जो लोअर लिमिट वाला टर्म रहेगा उसमें क्या करेंगे, t की जगह पे हम 0 रख देंगे क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो 0 स्क्वायर बाई 2, अब देखिए 0 स्क्वायर बाई 2 क्या होगा, 0 स्क्वायर बाई 2 0 बाई 2 0 हो जाएगा, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा वहां से, क्या बचेगा, यू टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2,
और इसी को क्या लिख देंगे हम, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू को, यहाँ देखें ये एस आया है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। तो ये था तरीका हमारा, ये था हमारा तरीका उस सेकेंड इक्वेशन उसको निकालने का। यहाँ से देखिए एक बार हम थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे इसका, v क्या थे, v की वैल्यू क्या थी, ds by dt हमारी v की वैल्यू थी, वहाँ से हमें ds से हमने v into dt निकाला, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करके, और फिर v की वैल्यू हमने क्या रख दी, u plus at, उसके बाद फिर सिंपल कुछ और नहीं किया है, लिमिट्स रख के इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट 0 टू t और यहाँ पे 0 टू s, वो रख के इंटीग्रेट कर दिया है, हमारा फाइनल वैल्यू आ गया, देखिए यहाँ से ठीक। अब चलते हैं भाई तीसरे इक्वेशन की तरफ में, थर्ड इक्वेशन, ये भाई है थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या करती है भैया, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है, ये रिलेशन दिखा रही है हमारी किस किस के बीच में, v के बीच में, यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ से, मतलब टाइम का जो टर्म है वो यहाँ से हटा दिया गया है, किस किस के बीच में रिलेशन है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। अब ये रिलेशन को हमें यूज कैसे करना है, ये रिलेशन का यूज कहाँ होगा, जैसे आप किसी ने पूछा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है, या हम दूसरा एग्जाम्पल ही लेते हैं कि एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ये मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, फिर इसमें हम कहें कि किसी ने इसको किक कर दिया, मतलब इसमें एक्सेलरेशन लगा दिया, एक्सेलरेट कराया इसको किसी भी तरह से, एक्सेलरेट कराने पर मान लीजिए एक्सेलरेशन हम कहेंगे कि अगर एक्सेलरेशन हुआ उसमें बॉल में, तो वो एक्सेलरेशन 2 सेकंड तक हुआ, क्या हुआ, 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन हुआ, 2 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पे टाइम का हमें नहीं मतलब है, टाइम से मतलब नहीं है, हम सीधा लेकिन बोल रहे हैं कि चलिए 2 सेकंड हम मान लिए हैं, 2 सेकंड हटा के यहाँ पे हम लिखेंगे कि टाइम अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है, तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, उसमें एक्सेलरेशन हुआ और हम कह रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन इक्वल्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या बन गई, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बॉल यहाँ पहुँच गई और उसने क्या की, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड, तो आपको निकालना है कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड होने में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस है, एस इक्वल्स वन, सपोज ऐसा क्वेश्चन है आपके पास कि मतलब इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल इतनी हो गई और एक्सेलरेशन इतना हो रहा है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उस बॉल में, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते जब उसकी वेलोसिटी 5 से 20 हुई, उतने में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब उसको निकालने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सीधा आप इस जो इक्वेशन है हमारे पास इसका यूज़ करेंगे, कैसे, देखिए हमको v दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, u दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, s निकालना है। देखिए ये सेकेंड इक्वेशन से नहीं आ पाया क्योंकि वहां पे हमें टाइम दिया है, ना कि हमें फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे हमें इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा, सीधा यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, उसको v की वैल्यू क्या, 20 स्क्वायर इक्वल्स 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 10 है, 2 इंटू 10 इंटू एस, ये देखिए यहाँ पे ऊपर कह रहे हैं इसको 20 स्क्वायर इक्वल्स 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस, ये इसको थोड़ा इरेज करके हम फिर से लिख देते हैं, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 10 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट। अब इसको निकालते हैं, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 इक्वल्स
डिस्प्लेसमेंट एस हम निकालते हैं, आप इसको इसे ट्रांसपोज कर दें तो 20 into s 20s equals 400 minus 25 equals 375, तो s equals कितना आ जाएगा 375/20, जो भी वैल्यूज किया है हम यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 5 से इसको करते हैं, ये 10 टाइम्स जाएगा 7.5 और 10/75 में 7.5 मीटर का s इक्वल्स क्या आया, 7.5 मीटर का यूज करेंगे। 7.5 मीटर ट्रेवल करते ही वो ऑब्जेक्ट जो है, वो बॉडी जो है क्या करेगी, अपना सीधा यहाँ पे पहुँच जाएगी, यानी डिस्टेंस कवर हो गया अपनी, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब उसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन का मतलब क्या है कि मतलब जो हमें पहले से पता है जो वैल्यूज, उन वैल्यूज का यूज करके उसको डेराइव करेंगे उस इक्वेशन को, जो हमारे क्या है हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है कि v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2s। ये देखिए आपको कहीं पे ये भी मिलेगा v स्क्वायर, ये नहीं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स 2s, ये कोई अंतर नहीं है। आपको थोड़ा सा भी समागत, थोड़ा सा भी ध्यान दें, आप ध्यान से देखें तो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s एक ही चीज है, उसमें u स्क्वायर को इधर ले आया गया है, इस टर्म में ले आया गया है, बस और कोई तरीका नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे आपका जो टर्म है कि वही फाइनल वेलोसिटी वाला, तो डिस्प्लेसमेंट हमें देखिए हम क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकालना है, याद रखिए हमें बस आपको सीधा आप डेरिवेशन करना है, आपको देखना है कि आपको किस किस टर्म के बीच में रिलेशन निकालना है। आपको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिनमें उन वो टर्म्स हों, तो हमें क्या है देखिए एक रिलेशन हमारे पास जो डिस्टेंस कवर यानी डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है ना, डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। अब वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी की बात की गई है, वेलोसिटी हमारे पास लेकिन दो वेलोसिटी है क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, एक इनिशियल वेलोसिटी है एक फाइनल वेलोसिटी है, वी और यू दो वेलोसिटीज है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एवरेज उनका लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, हमने सेकेंड में यूज किया था। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ से टी हटाना है, हमें रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए इन सब के बीच में v u s और a, टी हटाना है यहाँ पे। अब देखिए ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें आपको टी भी मिले और a भी मिले, सिंपल सा है, पहला वाला इक्वेशन है v equals u plus at, तो सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे v equals u plus at, यहाँ से क्या आएगा हमारा टी बराबर क्या आ जाएगा हमारा v minus u upon a, ये हमारा t का वैल्यू आएगा, इसी को इसमें यूज कर लेंगे। देखिए जरा ऐसे s इक्वल्स क्या आ जाएगा v plus u by 2 into v minus u by a, ठीक। अब देखिए अब v plus u ये ऊपर और v माइनस यू अपॉन 2a नीचे का नीचे, ये पता है ना मल्टीप्लिकेशन तरीका कि a by b into c by d, अगर ये आपको दिया है ये देखें a by b into c by d आपको दिया है तो ये क्या हो जाता है इसका वैल्यू a into c upon b into d, ठीक। वही रिलेशन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, वही एग्जैक्ट रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे v into v plus u v minus u को मल्टीप्लाई और 2a अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और आपको ये पता होगा v plus u v minus u यानी a plus b a minus b क्या होता है a square minus b square, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे v square minus u square upon 2a, और ये s की वैल्यू है, यहाँ से आ जाएगा v square minus u square equals 2as, बस ये जो फॉर्म है, और इसी को आप चाहिए तो उस फॉर्म में लिख लीजिए, कैसे v square equals u square plus 2a, ठीक। ये था आपका तरीका, ये क्लियर हुआ, ये तरीका है आपका सेकेंड इक्वेशन निकालने का। और अगर आप यही चाहें, अगर यही इक्वेशन आप चाहें किससे निकालने, कैलकुलस वाले तरीके से निकालना चाहें आप, कैलकुलस मतलब जो इंटीग्रेट करके तरीका आता है, फिर उसमें क्या करना रहेगा आपको, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। देखिए
यूजिंग कैलकुलस, मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग कैलकुलस। क्या रिलेशन है हमारे पास, देखिए रिलेशन हमारे पास है कि v जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ds by dt, डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये थे हमारी वेलोसिटी का रिलेशन। दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या है, एक और रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, एक्सेलरेशन वाला है ना, a इक्वल्स dv बाई dt, ये होता है ना, v इक्वल्स ds बाई dt और a इक्वल्स क्या होता है dv बाई dt। ये इक्वेशन वन है हमारा और ये इक्वेशन टू है। क्या करेंगे हम, छोटा सा एक ट्रिक यूज करेंगे कि v को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या है कि ये भी बराबर है, a और v बराबर है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई कोई ऐसा नहीं है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो मैं v को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा v इंटू dv बाई dt इक्वल्स क्या आएगा a इंटू ds बाई dt। कोई समस्या नहीं, v इससे मल्टीप्लाई हो गया और a इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको कहते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे v इंटू dv इक्वल्स a इंटू ds। अब बस आपको इंटीग्रेट कर देना है, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे इस साइड में इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल v इंटू डी वी इक्वल्स इंटीग्रल a इंटू डी एस। अब देखिए यहाँ पे वही, जब v की वैल्यू जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी यानी u थी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो था, ठीक है, और जब यही वेलोसिटी v हो गई तो हमारा डिस्प्लेसमेंट s के बराबर हो गया। इंटीग्रेट करते हैं v इंटू डी वी क्या होगा, यानी वही x की पावर n डी एक्स, और उसका इंटीग्रल क्या होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, v के पहले यहाँ पे v पावर वन है तो वो क्या बन जाएगा पावर टू बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर बाई टू u और v इक्वल्स, अब a बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के और ds का इंटीग्रल s हो जाएगा जीरो टू s। बस इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या बताया गया है, यहाँ पे एक लाइन में खींच देता हूँ अलग करने के लिए। अब v, अब जहाँ पे वही जहाँ पे v है वहाँ पे पहले v वाली अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद फिर लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू माइनस u स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इक्वल्स a इंटू एस माइनस जीरो। ठीक, अब देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स a इंटू एस, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस टू ए एस, सिंपल आ गया हमारा। ठीक है, ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अराइव हो गया। देखिए बस हमने क्या किया, यहाँ पे दो इक्वेशंस ली, v इक्वल्स ds by dt और a इक्वल्स dv by dt, और दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बस और कुछ नहीं करना था, सिंपल सा एक छोटा सा इंटीग्रेशन करना था हमें, छोटा सा वो इंटीग्रेट हमने कर दिया, हमारा फाइनल वैल्यू आ गया। क्लियर, तो ये थी हमारी तीनों इक्वेशंस जो थी मोशन की और उनके डेरिवेशंस। अब हम करेंगे क्या, बस छोटा सा हमें क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल एक लेना है, कौन सा एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम इन इक्वेशंस का यूज करें। कई सारे एग्जाम्पल्स आप अपने क्वेश्चंस अपने बुक से देख के कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इनमें समस्या हो, कोई अगर ना समझ में आए तो आप तुरंत उसको पूछ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कहूँगा एक एग्जाम्पल यहाँ से लेंगे हम। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, वो हमारा टाइम बेकार कर लेगा, मैं आपको समझा दूंगा। क्या क्वेश्चन है, अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्या कह रहा है कि एक कार है जो वेलोसिटी उसकी फाइनल बन जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी है, कार जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब वो जीरो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, जीरो मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल यानी वी कितनी हो गई उसकी, फाइनल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है 72 किलोमीटर पर आर, 72 किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर,
और ये कितने टाइम में होता है, कितनी देर में हो जाता है, ये टाइम टेकन कितना हुआ, 10 सेकंड्स। अब देखिए ये जो वही जो मैं अभी बात कर रहा था कि यूनिट्स कंपैटिबल जब ना हो, यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे आर है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। क्या तरीका बताया था हमने, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। 18 × 4 = 72, ये कितना आएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमारे पास आ गई, तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसे पूछा क्या है, कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। अभी तक हम यूज करते आए हैं बाएं हाथ का खेल जिसको कहते हैं, कि बहुत आसान काम है हमारे लिए, हम अभी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते आए हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, यही होती है ना, v की वैल्यू है 20, u की वैल्यू है 0, डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई, पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट क्या पूछे हो, चलिए क्वेश्चन से देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया है उसमें। दूसरा पॉइंट पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए आपको फाइंड आउट करना है, और हमें पता है इसमें देखिए सिंपल साहब आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है, आपको समझ में आना चाहिए। आपके पास यू दिया है, वी दिया है, टी भी दिया है, आप इजिली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी, यहां से क्या आएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी, ये तो होता ही हमारे पास, ये इक्वेशन का यूज करके हमारे पास एक आ गया। अब हम सबसे वैल्यू रख देते हैं, ए बराबर कितना आएगा, वी कितना है 20 माइनस 0 अपॉन टी, कितना सेकंड लिया है भाई, 10 सेकंड लिया है, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, ये भी आ गया हमारे पास। आगे ये फर्स्ट इक्वेशन का हमने यूज किया, वहां से हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया हमारा एक्सेलरेशन का। अब चलिए तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं, और क्या पूछा है, कुछ पूछा है और, एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड, पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया इस टाइम में, इतने टाइम में यहाँ से वहाँ मूव करने में, वी को अपने 0 से 20 बनाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए आप या तो चाहे एक्सेलरेशन का यूज किए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहले हम इसी का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे टर्म्स हैं, तो एस इक्वल्स यू कितना है हमारे पास 0, टी इंटू 10, टी बराबर 10 है, प्लस 1/2, ए कितना है 2, टाइम कितना लिया 10 का स्क्वायर, बस तो सॉल्व कर देना है, इतना तो हमको बहुत अच्छे से आता है, ये तो 0 ही बन जाएगा, ये क्या होगा 2 कैंसिल जाएगा, 100 मीटर्स ऐसा आ गया। और यही काम आप चाहिए तो आप दूसरे वाले इक्वेशन से कर लीजिए, कौन से, जो हमारा थर्ड इक्वेशन है, एम क्या है इक्वेशन, वो वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, v की वैल्यू रखिए, हम v की द्वारा वैल्यू रखिए, v की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 स्क्वायर, u की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 2 इंटू एस, ठीक, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 इक्वल्स 4s, ठीक, 400 2 इंटू 2 4 होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा s इक्वल्स, यहाँ से क्या आ जाएगा s इक्वल्स 400 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 100, 4 से कट जाएगा ना, 100 मीटर्स आ गया, ऐसे हमारा कितना आ गया 100। तो देखा आपने कैसे हम इक्वेशंस को यूज करके हमने एक क्वेश्चन आराम से फट से कर दिया, ऐसे आपके और से ज्यादा क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने किया, आप अपने और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आप किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप इजीली यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक और ऐसे इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा समझेंगे। धन्यवाद।